सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र अंतर्गत पदामगुड़ा आगू डोंगरी के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुए हैं, जहां पर 1,00,000 नक्सली इनामी हैं। वहीं नक्सली का शव, 2 हथियार एवं टिफिन बम सहित भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद किया गया है। बता दें कि सुकमा SP सुनील शर्मा ने बताया कि चिंता गुफा क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना चिंता गुफा से थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा एवं SDF कंपनी कमांडर रोहित कुंजाम के हमराह जिला बल DRG व SDF का बल तथा 1 संयुक्त पार्टी नक्सल ग्रस्त अभियान हेतु ग्राम टेकला पारा पदामगुड़ा आगू डोंगरी की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग करने के पश्चात प्रैक्टिकल मूवमेंट करते हुए वापस आ रहे थे कि रविवार के लगभग प्रातः आगू डोंगरी पदामगुड़ा के बीच जंगल पहाड़ी में पूर्व से घात लगाकर बैठे सशस्त्र नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने एवं हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मसात जवाबी कार्यवाही में फायरिंग किया गया। 7/2021 को CRPF 150 बटालियन, CRPF 131 बटालियन तथा जिला पुलिस सुकमा की DRG टीम्स और STF की टीमें सभी एक संयुक्त दल के तौर पे सर्चिंग की कार्रवाई हेतु आबू डोंगरी इलाके में पद्मापारा इलाके में गए थे। इस सर्चिंग के दौरान वे लोग पूरा इलाका सर्च कर रहे थे, कहीं पे नक्सली लोग का डेरा ना हो, किसी प्रकार का उनके द्वारा मूवमेंट ना हो और ग्रामीणों को या आदिवासियों को उनके द्वारा तंग न किया जा रहा हो। इसी अभियान के दौरान जब सुबह के समय लगभग 4 से 5 बजे के बीच में हमारी टीम्स का एक दल जो आबू डोंगरी के पास से गुजर रहा था, उसमें नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और नक्सलियों ने हम लोगों को घेरने का वहाँ प्रयास किया, लेकिन CRPF का दल साथ ही साथ हमारी DRG टीम्स ने मिलके उनकी घेराबंदी को तोड़ा और उनको काउंटर फायर दिया। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए जो इन्होंने फायर किया, उसमें नक्सली लोगों को काफ़ी लोगों के घायल होने की संभावना व्यक्त की जा रही हमारे जवानों के द्वारा। और इसमें फिर बाद में पूरे एरिया की सर्चिंग की गई, जब नक्सली अपने साथियों को लेके भाग गए वहाँ से, जंगल झाड़ी का अपने को कमज़ोर पाता देख नक्सली वहाँ से भाग गए, तो पूरे इलाके की सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान हमें एक पुरुष नक्सली का शव वहाँ से बरामद हुआ, जिनको बाद में आइडेंटिफाई किया गया है। उनको उनका नाम जो है वो कुंजाम भीमा, उनके पिता का नाम मल्ला है और ये अभी पद्मापारा के हैं। ये जन मिलिशिया कमांडर के तौर पे नक्सल संगठन में थे और इन पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1,00,000 का इनाम पूर्व से ही घोषित है। तो इस प्रकार हमारी जिला पुलिस CRPF की संयुक्त टीमों को SDF के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें नक्सलियों द्वारा हमको घेरे जाने की कोशिश नाकाम हुई है और साथ ही साथ क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए कायम रखने में भी मदद